गुरु शिष्य परंपरा भारत द्वारा पूरे विश्व को दी गई एक अनमोल धरोहर। इसी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से लाखों वर्षों से ज्ञान की दिव्य गंगा निरंतर बहती आ रही है। अद्वितीय, अनमोल, सर्वव्यापी, अपराजित, अभूतपूर्व परंपरा, यह अद्भुत ज्ञान हजारों वर्षों के विदेशी आक्रमणों के पश्चात भी आज हमें विरासत में मिला है। इस घोर कलयुग में ज्ञान के साथ साथ भक्ति की गंगा भी हमारे गुरु परंपरा के तेजस्वी संतों के माध्यम से हमारे जीवन का कल्याण कर रही है। इसी कड़ी में आज परिचय प्राप्त करते हैं एक ऐसे सत्पुरुष का जिनका वर्णन ज्ञानियों के राजा गुरु महाराज इन शब्दों में किया जा सकता है। आप हैं सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी। आप ही सनातन प्रभात समाचार पत्र समूह के संस्थापक संपादक भी हैं। आपने ही समस्त हिंदू समाज को बताया कि कालानुसार एवं अध्यात्म शास्त्र के अनुरूप मानव के लिए कौन सी साधना करना सबसे उचित है। अप्रैल 2024 तक आपके द्वारा लिखे सैकड़ों ग्रंथों की 96 लाख से अधिक प्रतियां प्रकाशित हुई हैं। इनके माध्यम से आपके तेजस्वी विचार समाज को जागरूक कर रहे हैं। प्रत्येक के व्यक्तिगत जीवन की 80% समस्याओं का निवारण आध्यात्मिक उपचारों द्वारा हो सकता है। इस सिद्धांत को सामने रखने वाले आप अनेक आध्यात्मिक उपचार पद्धतियों के जनक हैं। व्यक्ति का अर्थात जीव का शिव से मिलन होने के लिए उसका दोष एवं अहंकार रहित होना अति आवश्यक है। इस हेतु स्वभाव दोष एवं अहम का निर्मूलन प्रत्येक भक्त एवं साधक के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य से एक शोध परक अमृत समान प्रक्रिया जगत को देकर आपने मानव कल्याण के लिए द्वार खोल दिए हैं। हिंदू धर्म वैज्ञानिक है, उसमें बताया प्रत्येक सूत्र विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। आप ही ने इस अद्वितीय परंपरा का गूढ़ विज्ञान समूचे विश्व के सामने आध्यात्मिक शोध कार्य द्वारा रखा। राष्ट्र एवं हिंदू धर्म पर होने वाले आघातों का मूलभूत उपाय है हिंदू धर्म शिक्षा लें तथा धर्म संगठन करें, यह भी आपने ही बताया है। हिंदू राष्ट्र ही भारत की सभी समस्याओं का राम बाण उपाय है। आपके द्वारा दी गई इस सीख को अपनाकर आज पूरा देश उसी दिशा में बढ़ रहा है। हिंदुओं पर की इस अपरंपार कृपा के लिए समस्त हिंदू समाज आपका ऋणी है। अपना पूरा जीवन आपने हिंदू पुनरुत्थान के लिए समर्पित कर दिया। यही शक्ति एवं बुद्धि ईश्वर हमें भी प्रदान करें। हमारी हृदय में बसी कृतज्ञता हम अपने विपुल प्रयत्नों से भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। हे गुरुदेव, हम पर कृपा करें एवं आपके चरणों की परम प्रेम रूपी भक्ति हमें प्रदान करें। गुरुदेव हमें प्रदान करें।